उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने आज चार्जशीट अभियोजन कार्यालय भेज दिया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एडीजी वी मुरुगेशन ने बताया कि एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट में 16 गवाह बनाए हैं, वहीं 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य भी शामिल किए हैं। चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, 201, 120B, 354 क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है। इसमें तमाम वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है। अभी चार्जशीट अभियोजन कार्यालय भेजी गई है। कोर्ट में सोमवार को चार्जशीट दाखिल होगी। नवभारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। बहुत चर्चित हमारा जो एक केस है, जो अंकिता भंडारी मर्डर केस है, उस पे एसआईटी ने पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन एक केप का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो चार्जशीट है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। अब चार्जशीट हम न्यायालय को प्रसिद्ध किया जा रहा है और बाकी पूरा आपके प्रेस नोट भी हमने बना दिया है, तो आगे आप जो सवाल करना तो कर लीजिए। चार्जशीट है हमारा 120B आईपीसी रेड विद 302 आईपीसी विद 354A आईपीसी एंड 5 सब क्लास 1B ITPA एक्ट के तहत हमें चार्जशीट प्रसिद्ध की जा रही है। तीन अक्यूज्ड है और हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी रहेगा नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट के और कुछ और पॉइंट्स पे। 500 पेज की होंगी हमारी, करीब 100 विटनेसेस है, करीब 30+ एग्जिबिट्स है अभी तक का।